क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर कूलर के बीच में आप लोग जो है बर्फ को किस तरह से डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जो है इसके आइस चैम्बर को जो है ओपन कर लेना है ऊपर से, और इसके बीच में आप लोगों को सिंपली जो है बर्फ को जो है डाल देना है। आप लोग जो है देख सकते हैं, सिंपली आप लोगों को जो है इस तरह से जो है बर्फ ले लेनी है और इसको जो है उल्टा करके जो है इसके बीच में ऐसे करके रख देना है। जब आप लोग जो है इस कूलर को ऑन करोगे तो उसके बाद जो है आप लोगों को इसके पंप को जो है ऑन कर लेना है। तो जब आप लोग जो है इसके पंप को ऑन करोगे तो उसके बाद जो है पानी जो है सबसे पहले तो इस आइस चैम्बर के बीच में जो है आता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो है पानी जो है आइस चैम्बर के बीच में आना शुरू हो गया है। तो जिससे क्या होगा कि ये जो आइस जो है तो इससे जो है ये पानी जो है ठंडा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस आइस को जो है इसमें से निकाल लेते हैं इस तरह से। तो इसके बीच में आप लोगों को जो है इस बर्फ को जो है इस तरह से डाल देना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि पंप के थ्रू पानी जो है इस आइस चैम्बर के बीच में आता है, और जब आप लोग जो है आइस को जो है इस आइस चैम्बर के बीच में जो है रख दोगे तो उससे क्या होगा कि ये पानी जो है ये ठंडा हो जाएगा। और पानी जो है ठंडा होने के बाद जो है इन होल्स की मदद से जो है सीधे के सीधे कहाँ पे चला जाएगा, जो इसके हनीकॉम पैड है तो उनके ऊपर जो है ये पानी जो है जाके गिरता है। आप लोग जहाँ पे देख सकते हैं तो ये इसके हनीकॉम पैड है, तो सिंपली जो है इन हनीकॉम पैड के ऊपर जो है ये पानी जो है गिरेगा ठंडा, और उसके बाद जो है आप लोगों को ठंडी हवा जो है इसमें से निकलती हुई दिखेगी। आप लोग जो है इसके बीच में और भी बर्फ जो है डाल सकते हैं जितनी आप लोग चाहते हैं, जितनी देर तक जो है पानी को ठंडा रखना चाहते हैं। जब तक ये बर्फ जो है यहाँ पे रहेगी तो तब तक आप लोगों को जो है पानी जो है ये ठंडा मिलेगा। जब ये बर्फ जो है गुल जाएगी पूरी की पूरी तो उसके बाद भी आप लोगों को कुछ समय तक जो है ठंडी हवा जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि पानी जो है बीच में जो है ठंडा हो चुका होता है। तो आप लोग जो है इसके बीच में अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है बर्फ जो है डाल सकते हैं, इस तरह से भी डाल सकते हैं। इसमें से भी आप लोग जो है इसके बीच में बर्फ को डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को जो है इस कूलर के बीच में जो है बर्फ को जो है रख देना है, और उसके बाद जो है इस चैम्बर को जो है बंद कर देना ऊपर से, और आप लोगों को ठंडी ठंडी हवा जो है देखने को मिलेगी।